हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ बटर पनीर का रेसिपी दिखाने जा रही हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। बटर पनीर के लिए मैंने पनीर के छोटे छोटे टुकड़े करके लिया है और देखिए ऐसे करके मैंने छोटे छोटे टुकड़े करके लिया है क्यूब साइज में। और ग्रेवी के लिए मुझे चाहिए एक बड़ा टमाटर और कुछ काजू बादाम और दो चार आलमंड और रेड चिली। पहले मैं बटर से ये सबको अच्छी तरह से थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी बटर के साथ, क्योंकि ये बटर पनीर है इसलिए मैं बटर से ही कर रही हूँ। आप लोग चाहे तो रिफाइन ऑयल से भी कर सकते हैं। मैं 1 टेबलस्पून बटर लिया हूँ। अब इसमें मैं काजू बादाम और आलमंड को अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी, साथ में टमाटर को भी 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से सॉटे कर लूँगी। ये सब अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद मैं ठंडा करके इसे मिक्सी में एक पेस्ट बना लूँगी ग्रेवी के लिए। देखिए लगभग मेरा हो गया। अब इसी पैन में मैं 2 टेबलस्पून रिफाइन ऑयल लूंगी। और पनीर को भी फ्राई कर लूंगी नमक और हल्दी देकर। पनीर को फ्राई कर लेना है। पनीर भी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। कढ़ाई में मास्टर ऑयल लें। मास्टर ऑयल जब गर्म हो जाए तो उसमें कलौंजी फोरन दें। और जो टमाटर का ग्रेवी में बना के रखी हूँ वो डाल दूंगी। साथ ही में मैं थोड़ा सा पानी भी डालूंगी। अब इसमें एक एक करके स्वाद अनुसार नमक, हल्दी और थोड़ा सा जीरा पाउडर देकर अच्छी तरह से मिक्स कर ले। अब अच्छी तरह से उबाल आने दें और बैलेंस के लिए थोड़ा सा शुगर। जब अच्छी तरह से 2 मिनट तक उबाल आ जाए अब इसमें मैं पनीर को डाल दूंगी। थोड़ा सा मैं 2 टेबलस्पून मिल्क दे रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप लोग चाहे तो दे सकते हैं। अब मैं पनीर को इसमें डाल दूंगी।
बटर पनीर, लास्ट में थोड़ा सा बटर दे। देखिए मेरा बटर पनीर रेडी हो गया। अगर ये रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कैसा लगा मेरा ये रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।